गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम की डॉल राहुल। तो सुबह उठ गए, ब्रश कर लिए, नहा लिए, नहीं नहाए रूम साफ किए, बाबू को सुला के अभी थोड़ा सा प्रिया खाना बना रही है, तो प्रिया का हेल्प कर दे रहे हैं। कुंडली काट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कुंडली ना बोलते, तो वही कुंडली काट रहे हैं बेंगोली में, वही बोलते हैं। उसके बाद बाबू मेरी जग भी गई है, अभी रोने लगी, अभी जल्दी अभी उसका हेल्प करके जाएंगे, क्योंकि वो अकेले खाना बना, मतलब चावल दाल बना दी, तो हम सोच रहे थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, उसको भी हेल्प हो जाएगा, उसको काट देंगे। उसके बाद दिखाओ बाबू क्या कर रहा है, दिखा दो। बिटिया रानी बेटा बेटा, भाभी लगता है इसका भूख लग गया, उंगली चूस रही है। झुलवा झुल कदम के फूल, झुलवा झुलाने से ये शांत हो गई। बाबू जल्दी, हमको जल्दी से इसको काट के जाना पड़ेगा, और कल हम आप लोग बोले थे पार्लर जाना है, कल कोई कारण से नहीं गए थे, तो आज हम जाएंगे पार्लर बाबू को फिर से सुला के। मम्मी गई है कुछ काम से बाहर, मम्मी आएगी तब हम जाएंगे, तो अभी इसको काट लेते हैं, जल्दी जल्दी बच जाएंगे बाबू पास। भाभी शादी का कार्ड आ गया है, लोग हाँ हम देखे रे कि नाम हम छपाएंगे, बड़ा मजा आएगा, मतलब नाम दिखाएंगे ना कार्ड में। तो हम चले आए थे, मायरा की दादी आ गई थी तो उनके पास देखे हम आ गए, तो हमको जल्दी जाना भी है। कुछ दिन से मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बीच से डैमेज हो गया था, तो बीच से टूटने लगा था, तो वो लोग बोला था हेयर ट्रीटमेंट होता है, तो ये जब मैं न्यू पार्लर खोला है तो हम देखते हैं एक बार करा के, अगर अच्छा हो तो जाना ही है, हर महीना पति का पॉकेट खाली करवाना ही है। और यहाँ से हम लोग आए थे उस दिन प्रिया का शादी का ब्राइडल मेकअप का बात करने, तो न्यू पार्लर खुला है तो इन लोगों का कुछ डेमो भी देखे थे, बहुत अच्छा लगा, तो आई होप प्रिया का भी अच्छा ही मेकअप कर देगी ये लोग। तो जल्दी से करके घर जाना क्योंकि मारा मम्मी के पास है, वैसे मतलब मम्मी पास रह जाती है वो, तो चलो जब बाल में कोई ऐसे कोई करता है आराम लगता है ना, किसको किसको लगता है कॉमेंट्स करके बताओ, ऐसे ही पार्लर रिलैक्स का जगह होता ही है। वो लोग बोल रहे थे कि मैम आप वीडियो कर रहे हैं, आप बोल के करते, हम लोग भी थोड़ा सा मेकअप कर लेते, तो हम उन लोगों को बोल रहे थे नहीं आप लोग ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो, जो इंसान को खूबसूरत बनाते हैं वो तो अंदर से खुद ही खूबसूरत होता है ना।
तो चलो व्लॉग को कंटिन्यू देखो। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट शेयर करना और सब्सक्राइब जो लोग न्यू हो जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाए आप लोगों के पास। गाइज आप लोग आते हो व्लॉग मतलब कम्प्लीटली देखो और सब्सक्राइब करके जाओ यार। व्लॉग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो ये सो नहीं होता है। जल्दी से हमको 1 मिलियन का फैमिली बनाना है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। शायद उस दिन हम रो ना पड़े तो हमको जल्दी से बहुत जल्दी से 1 मिलियन का फैमिली चाहिए जल्दी से। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरा वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग आके मेरा चैनल पे सब्सक्राइब करके जाए। पार्लर से आ भी गए और आके चेंज भी कर लिया। अभी नहाएंगे जाके। हम सुबह से नहीं नहाए क्योंकि हमको पार्लर जाना था। तो अभी जो टाइम है कोरोना वगैरह का तो हम सोचे कि आके नहा के बाबू की गोदी में लेंगे। इसलिए तो हम बिना नहा के ही चले गए थे। तो अभी हम नहाएंगे और वीडियो को यहाँ पे ही एंड कर दे रहे हैं क्योंकि अभी तो कुछ है नहीं। बस अभी बाबू को थोड़ा सा बहुत देर बाद आए नहा के बाबू के पास थोड़ा सा रहना है और उसके बाद थोड़ा बहुत घर का साफ सफाई करेंगे। सफाई तो करके ही गए थे। थोड़ा बहुत किचन का काम है वो करके उसके बाद आप लोगों के लिए प्यारा प्यारा सा रील्स भी वीडियो बनाना है। हमको रील्स वीडियो बनाएंगे तो आप लोग रील्स वीडियो देख रहे हो कि नहीं हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताना ताकि हमको कमेंट्स करके पता चले कि हाँ आप लोग रील्स वीडियो देख रहे हो मेरा। तो और कुछ नहीं है, बस जो आपको पहले ही बोले थे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि जल्दी से 1 मिलियन का फैमिली कंप्लीट हो जाए। और ठीक ये दोनों देख रहे हो ये और ये ठीक इसके बीच में हमको गोल्डन प्ले बटन चाहिए जल्दी से जल्दी। और ये दोनों देख के बहुत मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम इसको ऐसी जगह पे लगाया ना। देखो ये है गेट और ठीक गेट बाहर से खड़े होके हम इसको देख सकते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है ये दोनों। क्या बताया मेरा प्यार है ये दोनों। तो वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और बाबा भी आ गए। देखो हर सुबह शाम आते हैं भजन सुनते हैं दादा और अच्छा भी लगता है। घर में थोड़ा सा भगवान का 2 टाइम गाना होता है तो अच्छा लगता है। हमेशा तो हम लोग डीजे सॉन्ग ये सब वगैरह वगैरह सुनते रहते हैं। तो बाबा 2 टाइम आते हैं सुबह शाम 2 टाइम भजन बजता है घर पर तो थोड़ा सा माहौल अच्छा होता है। और सुबह सुबह हम एक चीज़ देखे जो भजन होता है सुबह सुबह भजन सुनने का यही कुछ अलग रहता है। मतलब मूड एक बिल्कुल भी फ्रेश हो जाता है। और हम लोग तो इतना असकत करते हैं तो खुद से तो नहीं लगाएंगे, खुद से तो भजन नहीं लगाएंगे। खुद को अगर लगाना हो तो हम लोग यही लगाएंगे मतलब डीजे सॉन्ग ही ये सब ही लगाएंगे। लेकिन बाबा आके जब भजन चालू कर देते हैं तब सुनने का मतलब मज़ा ही कुछ और आता है और सुबह बिल्कुल भी फ्रेश लगने लगता है, बहुत फ्रेश लगने लगता है। तो मम्मी भी गई थी, मम्मी को भी कुछ काम था तो वो भी काम हो गया बैंक वगैरह में। तो मम्मी आई बाबू को देखी तब हम गए पार्लर। तो बहुत अच्छा कर दिया मेरा बाल। और हम इसलिए गए थे क्योंकि ना मेरा जो बाल का जो बीच से मेरा बाल टूट रहा था और बहुत डैमेज हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन हमको बाल नीचे कटवाने बोल रहे थे, हम कटाए नहीं क्योंकि मम्मी को पूछे नहीं, मम्मी को पसंद नहीं है बाबू को भी पसंद नहीं कि हम बाल हेयर कट करें। तो हम बस नहीं कटवाए। ऐसे जो हेयर ट्रीटमेंट है वो लोग पूरा किया है लेकिन बस और एक बार हमको जाने बोला है तो हम इन लोगों से परमिशन लेके इस बार जाएंगे कि हम अगर हेयर कट करें इतना सा। हमको भी कटने का मन नहीं करता क्योंकि मेरा हेयर थोड़ा सा लंबा हो रहा था तो कटने का मन नहीं कर रहा था। तो इसके बाद हम जब जाएंगे तब हम शायद बाल थोड़ा सा कट कर लें इतना। आप लोग कमेंट्स करके बताना मेरा लॉन्ग हेयर अच्छा लगता है कि शॉर्ट। बाबू आ भी गए थे मतलब वो भी कुछ काम से बाहर गए थे। अभी शादी का घर है आप लोगों को पता है, काम बाजार घर होते रहता है। तो अभी बाबू आके बाबू के साथ खेल रहे हैं, हम आप लोगों को दिखाते हैं। जब से मायरा हुई है मायरा के साथ ही चिपक के रहते हैं। देखो बहुत बात करने खुश के ना इसको हाथ वाला मोजा इसलिए पहना के रखते ना, ये अपने नेल से बहुत जल्दी इन लोगों का नेल्स बढ़ता है और पूरा मुंह नोच लेती है अपना।
क्या मायरा बदमाइशी करती है, बदमाइशी।